तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नज़र आए थे प्रोसनजीत चटर्जी एज अ मेन लीड, शिवाजी एंड साथ ही तथोथई देव, स्वस्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बनर्जी। प्रोसनजीत चटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म द्युति बतासे। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जिसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद चोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्ण घोष फॉर द सार और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। और चटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गाने उपारे और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका बिमल रॉय की फिल्म द्युति बतासे डेब्यू था विद जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नजर आए थे प्रोसनजीत चटर्जी एज अ मेन लीड, शिवाजी एंड साथ ही तथोथई देव, स्वस्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बनर्जी। प्रोसनजीत चटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म द्युति बतासे। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से।
और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद जोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था, जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्ण घोष फॉर दोसार, और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। चैटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गाने ओपारे, और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का, और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका, बिमल रॉय की फिल्म द्युतिपथा से डेब्यू था विद जो। तो दोस्तों, फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नजर आए थे प्रोसेनजीत चटर्जी एज अ मेन लीड शिवाजी, एंड साथ ही तथोथई देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी। प्रोसेनजीत चटर्जी की बात की जाए, जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है, एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी, एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म द्युतिपथा से। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी, जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा, और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद जोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था, जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्ण घोष फॉर दोसार, और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। चैटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गाने ओपारे, और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का, और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका, बिमल रॉय की फिल्म द्युतिपथा से डेब्यू था विद जो। तो दोस्तों, फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नजर आए थे प्रोसेनजीत चटर्जी एज अ मेन लीड शिवाजी, एंड साथ ही तथोथई देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी। प्रोसेनजीत चटर्जी की बात की जाए, जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है, एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चटर्जी के।
अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी, एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म द्युति बतासे। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा, और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद जोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था, जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कम बैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्ण घोष फॉर दोसार, और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। चैटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गाने उपारे, और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का, और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका बिमल रॉय की फिल्म द्युति बतासे डेब्यू था विद जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नजर आए थे प्रोसनजीत चैटर्जी एज अ मेन लीड शिवाजी, एंड साथ ही तथोथई देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी। प्रोसनजीत चैटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है, एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चैटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी, एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म द्युति बतासे। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा, और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद जोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था, जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कम बैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्ण घोष फॉर दोसार, और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। चैटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गाने उपारे,
और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का, और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका, बिमल रॉय की फिल्म दुतीपता से डेब्यू था जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नज़र आए थे प्रोसेनजीत चटर्जी एज अ मेन लीड, शिवाजी एंड साथ ही तथोथई देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी। प्रोसेनजीत चटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म दुतीपता से। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा, और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद जोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में, और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्णो घोष फॉर दोसार, और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। चैटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गानेर उपारे और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का, और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका, बिमल रॉय की फिल्म दुतीपता से डेब्यू था जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नज़र आए थे प्रोसेनजीत चटर्जी एज अ मेन लीड, शिवाजी एंड साथ ही तथोथई देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी। प्रोसेनजीत चटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म दुतीपता से। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी
अमर संगी जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा, और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद चोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्ण घोष फॉर दोसार, और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। और चैटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गाने उपारे, और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का, और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका बिमल रॉय की फिल्म द्युतिपथा से डेब्यू था विद जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नजर आए थे प्रोसनजीत चटर्जी एज अ मेन लीड, शिवाजी एंड साथी तथोथई देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी। प्रोसनजीत चटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म द्युतिपथा से। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा, और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद चोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में, और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्ण घोष फॉर दोसार, और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। और चटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गाने उपारे, और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का, और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका बिमल रॉय की फिल्म द्युतिपथा से डेब्यू था विद जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नजर आए थे प्रोसनजीत चटर्जी एज अ मेन लीड, शिवाजी एंड साथी तथोथई देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी। प्रोसनजीत चटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है एंड एज अ लीडिंग एक्टर
इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वही प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी, एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म द्युति बतासे। एंड और लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा, और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद जोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्ण घोष फॉर दोसार, और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। चैटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गानेर उपारे, और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का, और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका बिमल रॉय की फिल्म द्युति बतासे डेब्यू था विद जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नजर आए थे प्रोसनजीत चटर्जी एज अ मेन लीड शिवाजी, एंड साथ ही तथोथई देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी। प्रोसनजीत चटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है, एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वही प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी, एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म द्युति बतासे। एंड और लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा, और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद जोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में, और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्ण घोष फॉर दोसार,
और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन, फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। चाटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गानेर उपारे और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका, बिमल रॉय की फिल्म द्युतिपथा से डेब्यू था जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नज़र आए थे प्रोसनजीत चटर्जी एज अ मेन लीड, शिवाजी एंड साथ ही तथोथई देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी। प्रोसनजीत चटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म द्युतिपथा से। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद चोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्ण घोष फॉर दोसार और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन, फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। चटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गानेर उपारे और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका, बिमल रॉय की फिल्म द्युतिपथा से डेब्यू था जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नजर आए थे प्रोसनजीत चटर्जी एज अ मेन लीड, शिवाजी एंड साथ ही तथोथई देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी। प्रोसनजीत चटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से।
तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी, एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म द्युति बतासे। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा, और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद जोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्ण घोष फॉर दोसार, और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। चैटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गानेर उपारे, और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का, और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका बिमल रॉय की फिल्म द्युति बतासे डेब्यू था जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नज़र आए थे प्रोसनजीत चटर्जी एज अ मेन लीड शिवाजी, एंड साथ ही तथोथई देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी। प्रोसनजीत चटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है, एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी, एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म द्युति बतासे। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा, और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद जोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में, और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्ण घोष फॉर दोसार, और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। चैटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गानेर उपारे, और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का, और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका बिमल रॉय की फिल्म द्युति बतासे डेब्यू था जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नज़र आए थे प्रोसनजीत चटर्जी एज अ मेन लीड शिवाजी, एंड साथ ही तथोथई
देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी, प्रोसेनजीत चैटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चैटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म द्युति पता से। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद चोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्ण घोष फॉर द सार और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। और चैटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गाने उपारे और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका, बिमल रॉय की फिल्म द्युति पता से डेब्यू था विद जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नजर आए थे प्रोसेनजीत चैटर्जी एज अ मेन लीड शिवाजी एंड साथ ही तथोथई देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी। प्रोसेनजीत चैटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चैटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म द्युति पता से। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद चोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में।
और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्ण घोष फॉर दोसार, और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन, फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। चैटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गाने उपारे, और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का, और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका, बिमल रॉय की फिल्म द्युतिपथा से डेब्यू था जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नजर आए थे प्रोसनजीत चैटर्जी एज अ मेन लीड, शिवाजी एंड साथ ही तथोथई देव, स्वस्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी। प्रोसनजीत चैटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है, एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वही प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चैटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वह अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी, एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म द्युतिपथा से। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जिसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा, और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद चोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में, और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्ण घोष फॉर दोसार, और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन, फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। चैटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गाने उपारे, और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का, और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका, बिमल रॉय की फिल्म द्युतिपथा से डेब्यू था जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नजर आए थे प्रोसनजीत चैटर्जी एज अ मेन लीड, शिवाजी एंड साथ ही तथोथई देव, स्वस्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी। प्रोसनजीत चैटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है, एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वही प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चैटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली
बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी, एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म द्युति पता से। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा, और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद जोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्ण घोष फॉर दोसार, और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। और चैटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गाने उपारे, और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का, और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका, बिमल रॉय की फिल्म द्युति पता से डेब्यू था विद जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नजर आए थे प्रोसेनजीत चटर्जी एज अ मेन लीड शिवाजी, एंड साथ ही तथोथई देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी। प्रोसेनजीत चटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है, एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी, एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म द्युति पता से। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा, और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद जोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में, और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्ण घोष फॉर दोसार, और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। चैटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गाने उपारे, और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का, और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में।
फिल्मी करियर जो रहा है उनका, बिमल रॉय की फिल्म धुतीपता से डेब्यू था जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नज़र आए थे प्रोसनजीत चटर्जी एज अ मेन लीड, शिवाजी एंड साथ ही तथोथई देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बनर्जी। प्रोसनजीत चटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वह अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म धुतीपता से। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद जोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में, और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्णो घोष फॉर दोसार और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। चैटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गाने उपारे और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका, बिमल रॉय की फिल्म धुतीपता से डेब्यू था जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नज़र आए थे प्रोसनजीत चटर्जी एज अ मेन लीड, शिवाजी एंड साथ ही तथोथई देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बनर्जी। प्रोसनजीत चटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वह अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म धुतीपता से। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय
सुजीत गुहा, और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद जोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था, जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्ण घोष फॉर दोसार, और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। और चैटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गाने उपारे, और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का, और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका, बिमल रॉय की फिल्म द्युतिपथा से डेब्यू था विद जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नजर आए थे प्रोसनजीत चैटर्जी एज अ मेन लीड शिवाजी, एंड साथ ही तथोथई देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी। प्रोसनजीत चैटर्जी की बात की जाए, जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है, एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चैटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी, एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म द्युतिपथा से। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी, जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा, और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद जोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था, जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्ण घोष फॉर दोसार, और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। चैटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गाने उपारे, और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का, और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका, बिमल रॉय की फिल्म द्युतिपथा से डेब्यू था विद जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नजर आए थे प्रोसनजीत चैटर्जी एज अ मेन लीड शिवाजी, एंड साथ ही तथोथई देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी। प्रोसनजीत चैटर्जी की बात की जाए, जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है, एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में,
बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी, एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म द्युति बतासे। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा, और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद चोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्णो घोष फॉर दोसार, और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। और चैटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गाने उपारे, और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का, और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका बिमल रॉय की फिल्म द्युति बतासे डेब्यू था विद जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नजर आए थे प्रोसेनजीत चटर्जी एज अ मेन लीड शिवाजी, एंड साथ ही तथोथई देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी। प्रोसेनजीत चटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है, एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी, एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म द्युति बतासे। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा, और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद चोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में, और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्णो घोष फॉर दोसार, और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। चैटर्जी
चाटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गाने उपारे और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का, और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका, बिमल रॉय की फिल्म द्युतिपथा से डेब्यू था जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नज़र आए थे प्रोसनजीत चटर्जी एज अ मेन लीड, शिवाजी एंड साथ ही तथोथई देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी। प्रोसनजीत चटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म द्युतिपथा से। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद जोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्ण घोष फॉर दोसार और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। चटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गाने उपारे और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का, और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका, बिमल रॉय की फिल्म द्युतिपथा से डेब्यू था जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नज़र आए थे प्रोसनजीत चटर्जी एज अ मेन लीड, शिवाजी एंड साथ ही तथोथई देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी। प्रोसनजीत चटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म द्युतिपथा से।
एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा, और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद जोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्णो घोष फॉर दोसार, और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। चैटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गानेर उपारे और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का, और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका बिमल रॉय की फिल्म द्युतिपथा से डेब्यू था विद जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नजर आए थे प्रोसनजीत चैटर्जी एज अ मेन लीड, शिवाजी एंड साथ ही तथोथई देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी। प्रोसनजीत चैटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है, तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चैटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म द्युतिपथा से। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा, और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद जोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में, और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्णो घोष फॉर दोसार, और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। चैटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गानेर उपारे और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का, और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका बिमल रॉय की फिल्म द्युतिपथा से डेब्यू था विद जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नजर आए थे प्रोसनजीत चैटर्जी एज अ मेन लीड, शिवाजी एंड साथ ही तथोथई देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी। प्रोसनजीत चैटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का
एक जाना माना नाम है एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वही प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चैटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म द्युति बतासे। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा, और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद चोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में, और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्णो घोष फॉर दोसार, और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। चैटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गाने उपारे, और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का, और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका बिमल रॉय की फिल्म द्युति बतासे डेब्यू था विद जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नजर आए थे प्रोसनजीत चैटर्जी एज अ मेन लीड शिवाजी, एंड साथ ही तथोथई देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी। प्रोसनजीत चैटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चैटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म द्युति बतासे। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा, और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद चोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में, और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में
उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्ण घोष फॉर दोसार, और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन, फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। चैटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गानेर उपारे और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का, और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका, बिमल रॉय की फिल्म दुतीपता से डेब्यू था विद जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नज़र आए थे प्रोसनजीत चैटर्जी एज अ मेन लीड, शिवाजी एंड साथ ही तथोथई देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी। प्रोसनजीत चैटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चैटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म दुतीपता से। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा, और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद चोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्ण घोष फॉर दोसार और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन, फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। चैटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गानेर उपारे और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का, और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका, बिमल रॉय की फिल्म दुतीपता से डेब्यू था विद जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नज़र आए थे प्रोसनजीत चैटर्जी एज अ मेन लीड, शिवाजी एंड साथ ही तथोथई देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी। प्रोसनजीत चैटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चैटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर,
बट अनेबल थे अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए मैंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी, एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म द्युति पता से। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा, और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद जोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्ण घोष फॉर दोसार, और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। चैटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गाने उपारे, और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का, और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका, बिमल रॉय की फिल्म द्युति पता से डेब्यू था विद जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नज़र आए थे प्रोसनजीत चैटर्जी एज अ मेन लीड शिवाजी, एंड साथ ही तथोथई देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी। प्रोसनजीत चैटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है, एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चैटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज़ पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए मैंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी, एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म द्युति पता से। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा, और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद जोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में, और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्ण घोष फॉर दोसार, और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। चैटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गाने उपारे, और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का, और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका, बिमल रॉय की फिल्म द्युति पता से डेब्यू था विद जो।
तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नज़र आए थे प्रोसनजीत चटर्जी एज अ मेन लीड, शिवाजी एंड साथ ही तथोथई देव, स्वस्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बनर्जी। प्रोसनजीत चटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म दुती पता से। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद चोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में, और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्ण घोष फॉर दोसार और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। और चटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गाने उपारे और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका, बिमल रॉय की फिल्म दुती पता से डेब्यू था विद जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नज़र आए थे प्रोसनजीत चटर्जी एज अ मेन लीड, शिवाजी एंड साथ ही तथोथई देव, स्वस्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बनर्जी। प्रोसनजीत चटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म दुती पता से। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से।
और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद जोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था, जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्ण घोष फॉर दोसार, और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। और चैटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गाने ओपारे, और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का, और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका, बिमल रॉय की फिल्म दुतीपता से डेब्यू था विद जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नजर आए थे प्रोसनजीत चैटर्जी एज अ मेन लीड, शिवाजी एंड साथ ही तथोथई देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी। प्रोसनजीत चैटर्जी की बात की जाए, जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है, तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चैटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी, एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म दुतीपता से। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी, जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा, और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद जोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था, जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्ण घोष फॉर दोसार, और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। और चैटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गाने ओपारे, और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का, और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका, बिमल रॉय की फिल्म दुतीपता से डेब्यू था विद जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नजर आए थे प्रोसनजीत चैटर्जी एज अ मेन लीड, शिवाजी एंड साथ ही तथोथई देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी। प्रोसनजीत चैटर्जी की बात की जाए, जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है, तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चैटर्जी के।
अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी, एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म द्युति बतासे। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा, और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद चोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में, और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कम बैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्ण घोष फॉर दोसार, और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। चैटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गाने उपारे, और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का, और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका, बिमल रॉय की फिल्म द्युति बतासे डेब्यू था विद जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नजर आए थे प्रोसेनजीत चटर्जी एज अ मेन लीड, शिवाजी एंड साथ ही तथोथई देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी। प्रोसेनजीत चटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है, एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी, एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म द्युति बतासे। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा, और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद चोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में, और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कम बैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्ण घोष फॉर दोसार, और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। चटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गाने उपारे,
और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का, और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका, बिमल रॉय की फिल्म दुतीपता से डेब्यू था जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नज़र आए थे प्रोसेनजीत चटर्जी एज अ मेन लीड, शिवाजी एंड साथ ही तथोथई देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी। प्रोसेनजीत चटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म दुतीपता से। एंड और लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा, और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद जोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में, और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्ण घोष फॉर दोसार, और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। चैटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गाने उपारे, और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का, और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका, बिमल रॉय की फिल्म दुतीपता से डेब्यू था जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नज़र आए थे प्रोसेनजीत चटर्जी एज अ मेन लीड, शिवाजी एंड साथ ही तथोथई देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी। प्रोसेनजीत चटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म दुतीपता से। एंड और लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी
अमर संगी जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा, और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद चोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्ण घोष फॉर दोसार, और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। और चैटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गाने उपारे, और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का, और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका, बिमल रॉय की फिल्म द्युतिपथा से डेब्यू था विद जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नजर आए थे प्रोसनजीत चटर्जी एज अ मेन लीड, शिवाजी एंड साथ ही तथोथई देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी। प्रोसनजीत चटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है एंड एज अ लीडिंग एक्टर इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर चाइल्ड एक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की छोटो जिज्ञासा से, जिसके लिए उन्हें बंगाली फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड भी मिला था इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट आउटस्टैंडिंग वर्क ऑफ द ईयर। फॉलोइंग में अपीयर हुए थे कुछ और फिल्म्स में भी एज अ चाइल्ड एक्टर, बट अनेबल थे अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट करने के लिए, तो इसलिए उन्होंने ब्रेक ले लिया था फिल्म इंडस्ट्री से। तो वे अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद लौटे थे फ्रॉम जेवियर्स यूनिवर्सिटी, एंड हिज फर्स्ट लीडिंग रोल आया था थ्रू बिमल रॉय की फिल्म द्युतिपथा से। एंड लेटर ऑन जो उनकी फिल्म थी अमर संगी, जो इसमें कि उन्होंने काम करा था अपोजिट विजेता पंडित के, हाईली सक्सेसफुल रोमांटिक ड्रामा फिल्म रही थी जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय सुजीत गुहा, और हिंदी सिनेमा में डेब्यू करा था विद डेविड धवन की फिल्म आंधिया से। और अपार्ट फ्रॉम अपियरिंग इन अ सीरीज ऑफ मसाला फिल्म, उन्होंने शुरू करा था मिडल ऑफ द रोड सिनेमा विद चोकर बली, जिसमें कि ऐश्वर्या राय बच्चन का डेब्यू था जिसके साथ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में, और क्रिटिकल कमर्शियल दोनों ही तरीके की सक्सेस मिली है। कमबैक करने के बाद कुछ कमर्शियल फिल्म्स रही थी उनकी, और 2006 में उन्होंने फिर से कोलैबोरेट करा था विद ऋतुपर्ण घोष फॉर दोसार, और रिसीव करा था बेस्ट एक्टर अवार्ड और नेशनल फिल्म अवार्ड, स्पेशल जूरी अवार्ड में स्पेशल मेंशन फिल्म अवार्ड में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द फिल्म। और चटर्जी लेटर प्रोड्यूस द घोष स्क्रिप्टेड टेलीविजन सीरीज गाने उपारे, और लॉन्च करा था करियर अपने भाई अर्जुन चक्रवर्ती का, गौरव चक्रवर्ती का, और हालांकि मिमी चक्रवर्ती को भी साथ में। फिल्मी करियर जो रहा है उनका, बिमल रॉय की फिल्म द्युतिपथा से डेब्यू था विद जो। तो दोस्तों फिल्म की कास्टिंग की बात करें, शिवाजी में नजर आए थे प्रोसनजीत चटर्जी एज अ मेन लीड, शिवाजी एंड साथ ही तथोथई देव, स्वास्तिका मुखर्जी, तपस पॉल, शताब्दी रॉय, रंजीत मलिक, साइबल बैनर्जी। प्रोसनजीत चटर्जी की बात की जाए जो कि बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है एंड एज अ लीडिंग एक्टर
इन मॉडर्न बंगाली सिनेमा से भी उन्हें रिगार्ड किया जाता है। तो वहीं प्रीडोमिनेटली उनका जो वर्क रहा है बंगाली सिनेमा में, बेटे हैं ऑफ वेटरन बॉलीवुड एक्टर बिस्वजीत चटर्जी के। अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी उन्होंने बतौर